नमस्कार प्रिय दोस्तों, मल्टीटास्किंग अंशिका चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग है एक कहानी, ऐसा मंत्र जिससे धन भी आएगा सुख भी। दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनिएगा, आप माता लक्ष्मी जी का अनादर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस कहानी से सुनने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा और मंत्र वो मंत्र मिलेगा जिससे आपके घर में धन की भी कभी कमी नहीं होगी और सुख शांति भी बनी रहेगी। दोस्तों धन के साथ एक परेशानी है, वह आपको सुख लेने से रोकता है। धन से सुख कैसे लिया जाए इसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। उससे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि सुख है क्या। हर व्यक्ति के लिए सुख के अपने मापदंड होते हैं, पर याद रखिए वह मानदंड नहीं मृग मरीचिका है। एक तय लक्ष्य पूरा होने से पहले ही दूसरा लक्ष्य खड़ा हो जाता है, इसलिए सुख का मानदंड तय करना ही सबसे बड़ा काम है। आगे का काम तो ईश्वर स्वयं पूरा कर देते हैं। आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कहानी बढ़ते हैं। एक धनी व्यक्ति का बेटा बड़ा निकम्मा निकल गया था। मेहनत मशक्कत कमाने धमाने में जरा भी ध्यान नहीं लगाता था। अब बाप के पास इतनी दौलत है तो मैं क्यों मेहनत करूं, मौज मस्ती करूं? बस यही सोचकर दिन भर वह बच्चा आवारा गर्दी करता फिरता रहता था। पिता बड़ा दुखी रहता था बेटे की इस आदत से। कोई भी पिता हो वो चिंतित तो होगा ही। पिता ने भी बेटे की अकल को ठिकाने लगाने की ठान ली। पिता ने एक शाम कड़क आवाज में बेटे को आदेश सुना दिया, आज कुछ अपनी मेहनत से कमा कर लाओगे, नहीं लाए तो आज शाम का खाना नहीं मिलेगा। भोजन चाहिए अगर तो जाओ, पहले कुछ कमा कर लाओ। अब लड़का तो जैसा था वैसा ही था, काम धाम से उसका क्या लेना देना। लेकिन पिता ने फरमान ऐसा सुना दिया कि उसके होश उड़ गए। वह बेटा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। बेटे का रोना देखकर माँ व्याकुल हो गई। बेटा भूखा न रहे इसके लिए माँ ने अपने पास से एक रुपया चुपके से उसको दे दिया। वह बेटा रुपया लेकर अपने पिता के पास पहुँचा। पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया है? पता है ना, नहीं कमाओगे तो खाना नहीं मिलेगा। लड़के ने जेब से माँ का दिया हुआ एक रुपये का सिक्का निकाला और पिता को थमा दिया। पिता को आश्चर्य हुआ कि इस आलसी बच्चे ने पैसे कमा लिए। शरीर पर थकान के कोई लक्षण तो नहीं दिख रहे, फिर पैसा कमाया तो कैसे कमाया? कैसे कमाया होगा ये पैसा? पिता ने जांचने के लिए कहा, जा इस सिक्के को कुएं में फेंका और खाना खा ले। लड़का फुर्ती से भागा और पिता की आज्ञा पूरी कर दी। अब तो पिता का शक जो था वो एकदम पक्का हो गया दोस्तों कि इसने पैसा कमाया नहीं है, कहीं से लेके आया है, उड़ा लाया है। जरा सा कड़क कर पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। बस उसकी माँ को पिता ने मायके भिजवा दिया। अगले दिन पिता ने लड़के को फिर बुलाया और कहा, जाओ आज कुछ कमा कर लाओ, तभी आज शाम को खाना मिलेगा। माँ तो घर में है नहीं, अब बेटा क्या करे। लड़का अपनी बहन के पास जाकर उसी तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। बहन को तरस आ गया। उसने अपने पास पड़े रुपयों में से एक रुपये का सिक्का भाई को दे दिया। पिता ने रात को फिर मांगा कि जो कमाया है आज वो मेरी हाथ में रखो। उसने तपाक से जेब से एक रुपये का सिक्का निकाल कर हाथ में रख दिया। पिता ने फिर कहा, जाओ इसे भी कुएं में डालाओ। उसने तुरंत सिक्के को कुएं में फेंक दिया। अनभी भी पिता जान गए कि आज हो ना हो इसने अपनी बहन से पैसे लिए हैं। उन्होंने अगले ही दिन बेटी को भी उसके ससुराल भेज दिया और लड़के को वही हुक्म सुना दिया, रोटी चाहिए तो कुछ कमा कर ले आओ। लड़का परेशान हो गया, अब किसके आगे रोए गिड़गिड़ाए और कहां से पैसे लाए। हार कर वह बाजार में शाम के समय मजदूरी ढूंढने गया। कई जगह भटकने पर आखिरकार एक आढ़ती ने उसे कुछ बोझ उठाकर गाड़ी में डालने को कहा। उसने काम कर दिया तो बदले में उसे चार आने मिले। जिसने कभी काम न किया हो वह अचानक इतनी मेहनत करने लगा, इससे उसकी कमर लचक गई, पसीने से नहा गया
पर मेहनत की चवन्नी लेकर घर की ओर चल पड़ा। रात को पिता ने फिर पूछा, आज तुमने कुछ कमाई की है या आज भी कहीं से मांग कर लाए हो? लड़के ने जेब से चवन्नी निकाल कर पिता को दिखाई। पिता ने कहा, इसे भी कुएं में फेंक दो। यह सुनते ही लड़का तमतमा गया, क्रोध में भर कर बोला, इसे कमाने में मेरी कमर लचक गई पिताजी, चला फिरा नहीं जा रहा है और आप कहते हैं कि इस चवन्नी को कुएं में फेंक दो, मैं नहीं फेंकता। पिता ने लड़के को सीख दी, देखो बेटा मेहनत की कमाई का दर्द कैसा होता है। बेटा मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, बस तुम्हें समझाना चाहता था धन की कीमत को। इसे उड़ा दोगे तो एक दिन फांके की नौबत आ जाएगी। तुम्हें इसकी कीमत समझाने के लिए यह सब मैंने किया था। पिता ने लड़के की तेज पीठ थपथपाई और छाती से लगा लिया। अब उसका बेटा उसके कारोबार का उत्तराधिकारी बनने योग्य हो गया था। माँ लक्ष्मी चंचला हैं, वह उसके पास ही टिकती हैं जो उन्हें परिश्रम से अर्जित करता है और सदुपयोग करता है। धन जीवन में आवश्यक है, लेकिन उसका आनंद वही ले सकता है जो सदुपयोग कर सके। धन की लालसा की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों, पर उसके पीछे भागते रहने में जीवन निकल जाता है। आज दो कमरों का छोटा सा मकान चाहिए, यही कामना है। जैसे ही वह पूरा होता दिखता है, मन में आने लगेगा कि दो कमरे में क्या होगा, दो मंजिला तो हो ही कम से कम। अगला लक्ष्य तैयार है और यह लक्ष्य हमेशा आपसे आगे भागता जाएगा। और क्यों जोड़ रहे इतना, करोगे क्या? अमीर से अमीर आदमी जिसके 100 घर होते हैं, वह भी जीवन के अंत में एक बिस्तर पर ही मरता है, या मरने से पहले उसे हर घर में कुछ देर ले जाया जाता है। सारी दुनिया को जीतने निकला सिकंदर रास्ते में मर गया, घर भी नहीं लौट पाया। जब युद्ध पर निकल रहा था तो पत्नी ने समझाया था कि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सुखी संपन्न राज्य के राजा हो, क्या कर लोगे दूसरे राज्यों को जीतकर? वे तो तुम्हारे सामने कुछ ना है, फिर क्यों उनमें सर खपाने जा रहे हो? ऐसा सवाल अंतरात्मा पूछती है। बहुत से लोग दिख जाएंगे जो बेतहाशा ठगी हेर फेर कर रहे हैं। अंतरात्मा के प्रश्न के उत्तर में एक बात ही कहेंगे, यह सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य ठीक कर रहे हैं, उन्हें कोई कमी ना होने पाए। एक और प्रकार के लोग भी दिख जाएंगे दोस्तों, जो एक एक दमड़ी दांत से पकड़ते हैं, आवश्यकता पर भी कहीं चवन्नी अठन्नी खर्च नहीं करेंगे, स्वयं पर भी नहीं, दूसरों को तो बात ही छोड़ दें। अंतरात्मा के पूछने पर ऐसे लोग भी यही कहेंगे कि बच्चों के लिए बचा रहे हैं, बच्चों के लिए रख रहे हैं, परिवार के लिए जमा कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है, आप अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? आलसी जो यह सोचे कि पिताजी ने इतना बना रखा है अब क्या करना है, या फिर मक्कार जो यह देखते बड़ा हो रहा है कि धन अर्जित करने की वस्तु है। जैसे भी करो दोस्तों, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या यह सोच उचित है या मूर्खता है? बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे गुणों का विकास करिए ताकि वे अपने दम पर अपनी मेहनत से अपना नाम कमा सकें। धन से अपनी कमियां ढाकिए मत, यह सोच मीठा जहर है जो धीमे धीमे काम करती है। बच्चों के सद्गुणों का विकास करते रहिए, वही असली धन है। उन्हें धन का सदुपयोग सिखाइए, यही असली बचत है। वे धन पूर्वक धन अर्जन करके वृद्धावस्था में आपका उचित पालन कर सकें, यह गुण भरिए, यही निवेश है। जब यह नहीं देखेंगे कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, नाना नानी या परिवार के किसी भी अन्य के लिए कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, उनके लिए कोई उपहार या आवश्यकता पर भी धन नहीं देते, तो ये यही मानकर चलेंगे कि जब अपना परिवार बन जाता है तो घर के अन्य लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाता। जब आपके साथ ऐसा होगा, उस समय किस मुंह से कहिएगा कि बच्चे कुछ नहीं करते, उन्होंने देखा ही यही है, सीखा भी यही है। हो सकता है यह बात आपके परिवार के साथ ना हो, पर आपके आसपास जरूर दिखती होगी, आपके परिवार रिश्तेदारों में जरूर दिखती होगी। लक्ष्मी अकेले सुख दे ही नहीं सकती, अकेली लक्ष्मी के साथ तो उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा या दरिद्रा आ जाती है। लक्ष्मी के साथ गणेश आते हैं तब सुख देती है। गणेश मतलब सदुपयोग की सदबुद्धि। गणेश नहीं आए तो दरिद्रता आनी ही आनी है, जो धन को नष्ट कराएगी। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत अनाप शनाप पैसा होता है, लेकिन लक्ष्मी उन्हें कभी लक्ष्मी का सुख लेने नहीं देती, यही बात सत्य है। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये कहानी अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को अवश्य सुनाइएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।